हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो हम एक क्वेश्चन से शुरू करेंगे और इसी वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर करने का भी कोशिश करेंगे। सो क्वेश्चन ये है, क्यों लोग प्लेस्टेशन खरीदते हैं? अगर पीसी कंपैरेटिवली आप ज्यादा पावरफुल बना सकते हो, लेकिन फिर भी लोग प्लेस्टेशन परचेज करना पसंद करते हैं, और इसका रीजन क्या हो सकता है? अगर तुम पीसी को पावरफुल ज्यादा बना सकते हो तो उसमें तुम मल्टीटास्किंग भी कर सकते हो। पीसी में जितनी मल्टीटास्किंग कर सकते हो उस पावर को यूटिलाइज कर सकते हो। प्लेस्टेशन जितना मर्जी तुम अच्छा कह लो, चाहे वो 4K 120 FPS पर क्यों ना गेमिंग करवाता हो, लेकिन उसका हमेशा एक डाउनसाइड रहेगा कि उस पर तुम मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते किसी भी तरह की। तुम वीडियो एडिटिंग नहीं कर सकते, तुम कोई एनिमेशन नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक गेमिंग कंसोल बन के रह जाएगा। लेकिन फिर भी लोग प्लेस्टेशन खरीदना पसंद करते हैं, क्यों? आई थिंक इसका सबसे मेजर रीजन होगा प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव। अब जिनको नहीं पता प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव क्या चीज है या फर्स्ट पार्टी प्लेस्टेशन गेम्स क्या होती हैं, तो ये वो गेम है जो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन पर ही देखने को मिलेंगी। और ये गेम की लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी है, मैं एक एक गेम तुम्हें गिनवा नहीं सकता, लेकिन सबसे पॉपुलर टाइटल अनचार्टेड सीरीज, गॉड ऑफ वॉर सीरीज, लास्ट ऑफ अस सीरीज और ऐसी काफी अलग सीरीज हैं, इवन स्पाइडरमैन। तो ये जितनी भी गेम्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ प्लेस्टेशन पर ही मिलती हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ इन गेम्स की वजह से प्लेस्टेशन खरीदते हैं। जैसा कि हमने पुरानी वीडियोस में भी बात करी थी कि प्लेस्टेशन लॉस में बिकता है, जो कंसोल होता है वो खुद लॉस में बिकता है, लेकिन जो ये जितनी भी गेम्स होती हैं, खास करके प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव जो टाइटल होते हैं, जितनी प्लेस्टेशन को कमाई होती है वो उन टाइटल में से होती है, जितनी भी बाद में ऑनलाइन सर्विसेज होती है उनसे होती है। तो ये सबसे मेजर रीज़न होगा प्लेस्टेशन की सेलिंग का, बिकॉज वहाँ पर तुम्हें ऐसे अच्छे टाइटल खेलने को मिलेंगे जो तुम पीसी पर खेल नहीं पाओगे। लेकिन रिसेंटली हम कह सकते हैं कि भाई हवा का रुख चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्लेस्टेशन की काफ़ी टाइटल पीसी पर आ रहे हैं और ये टाइटल काफी बड़े हैं। मैं एक गेम का नाम जो मैंने पर्सनली खेला भी है ऑन स्ट्रीम, ये था होराइजन जीरो डॉन, जो पिछले साल पीसी पर रिलीज किया था और ये एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल था। इवन दो ये गेम ना अच्छा परफॉर्म नहीं करती थी पीसी पर, काफी इसमें बग्स भी थे और इसका क्रैक भी डे वन पर अवेलेबल हो गया था, लेकिन इवन आफ्टर ऑल ऑफ दैट ये गेम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया ऑन पीसी। तो जिस वजह से सोनी ने ये समझा कि यार भाई हाँ, जितने भी पुरानी गेम्स हैं जो ऑलरेडी जैसे रिलीज़ हो चुकी हैं, जिनको एक दो साल हो चुके हैं, हम और ज़्यादा प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल पीसी पर लेकर आएंगे, ऑब्वियसली ऑन स्टीम या किसी और प्लेटफॉर्म पर। ये बदलता रुख जो भी है ये सिर्फ इसी वजह से है बिकॉज यहाँ पर जो पीसी की कम्युनिटी है वो ग्रो कर रही है। जो मोस्ट ऑफ द गेमर हैं वो ऐसा नहीं है कि एक गेम पर, एक टाइप की गेम पर स्टिक रहते हैं, ज़्यादातर वो हैं जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं और वो खेलना चाहते हैं ऐसे टाइटल अपने ही पीसी पर। अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी यार पीसी है तो ऑब्वियसली बात है कि तुम प्लेस्टेशन लेने से कतराओगे। ये चीज़ सोनी को भी महसूस हो रही है कि हाँ, हम उतनी बड़ी मार्केट कवर अप नहीं कर पाए हैं जितनी पीसी ने कर रखी है, तो इसी वजह से ज़्यादा सीरीज जो हैं, ज़्यादा प्लेस्टेशन के एक्सक्लूसिव टाइटल जो हैं, सोनी सोच रहा है पीसी पर लाने की। और सबसे अच्छी बात है कि इस साल भी काफ़ी टाइटल हमें देखने को मिल सकते हैं। इस स्प्रिंग एक टाइटल तो कंफर्म हो ही चुका है, डेज गॉन, जो कि एक प्लेस्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल है जो 2019 में रिलीज हुआ था। अभी फिलहाल स्प्रिंग में वो पीसी के लिए रिलीज हो रहा है, जैसे पिछले साल होराइजन जीरो डॉन रिलीज हुआ था। और ऐसे टाइटल की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा लंबी है जो अभी भी फिलहाल प्ले स्टेशन पर ही अवेलेबल हैं और लोग चाहते हैं उनको पीसी पर खेलना। मुझे वो टाइम याद है जब टेकन एक प्ले स्टेशन एक्सक्लूसिव टाइटल था और हमें सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टेशन पर ही खेलने को मिलती थी, या हमें कोई एम्यूलेटर यूज़ करना पड़ता था पीसी पर। लेकिन अगर आप आज की बात करो तो टेकन 7 स्टीम पर अवेलेबल है और सेल में बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाती है। सो तुम लोगों का इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या सोचना है? तुम कौन सी गेम है जो प्लेस्टेशन की पीसी पर देखना पसंद करोगे? मैं पर्सनली स्पाइडरमैन अनचार्टर सीरीज का बहुत बड़ा फैन हूँ और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि ये दोनों गेम जो हैं वो हमें पीसी पर खेलने को मिले। तुम लोग कौन सी गेम देखना पसंद करोगे? मेक श्योर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, नहीं अच्छी लगे डिसलाइक करना। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Thank you.